वेट गेन का ये मतलब नहीं होता है कि आप लोग बाहर का जाके जंक फूड खाओगे। 1 किलो बढ़ाना है हफ्ते में। अब आप लोग पूछोगे कितना कैलोरी हमको खाना चाहिए, उसको आप लोग मसल टिश्यू में कन्वर्ट करना और आप लोग काफी ज्यादा जल्दी आप लोग का वेट गेन भी उससे कर पाते, तो आप लोग के वेट लॉस होने के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं और गुड फैट आपके पेट को ज्यादा फुल भी नहीं करके रखता है। स्वागत है आप सभी का एक नए कंटेंट में। आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ मैं आप लोग कैसे आप लोग का वेट गेन कर सकते हो। जो लोग भी स्किनी लोग हैं, उन लोग वेट नहीं गेन कर पा रहे हो, तो आप लोग एकदम सही वीडियो में आए हो। मैं आप लोग को बताऊंगा वेट गेन आप लोग कैसे कर पाते हो। मैं भी अभी वेट गेन करने की जर्नी स्टार्ट किया हूँ, थोड़ा वेट गेन करूँगा मैं। 65 किलो का वो अभी मैं गेन करने वाला हूँ, 5 किलो 70 किलो तक जाने वाला हूँ मैं। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है साहिल और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले सब्सक्राइब के बटन को दबाना, उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा देना ताकि मेरे जब भी अपकमिंग वीडियोस आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप फटाक से फिर वीडियो देख सकते हो। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टाग्राम पर पहले फॉलो कर देना, वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ मेरे अपडेट्स। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे मैं अपडेट्स डाल देता हूँ। और आपको कुछ भी क्वेरी होगी, आपको कुछ भी डाउट होगा, कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए या तो फिर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो मुझे जरूर इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। तो आज का वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा फैट लॉस करना इजी नहीं है, वैसे ही वेट गेन करना भी उतना इजी नहीं है। वेट गेन काफी लोगों से नहीं हो पाता। काफी लोग बोलेंगे नहीं वेट गेन तो आराम से हो जाता है। वेट गेन का ये मतलब नहीं होता है कि आप लोग बाहर का जाके जंक फूड खाओगे, कुछ भी खाओगे तो आप लोग वेट गेन हो जाओगे, तो वो वेट गेन अलग ही हो जाता है। फिर वो आप लोग का फैट एकदम आप लोग भर देते हो, उससे वेट आपका जमा हो जाता है। वो वेट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को एकदम प्रॉपर तरीके से वेट गेन करना है और आप लोग का मसल साइज भी रहना चाहिए, इसको बोलते हैं वेट गेन। आप लोग का मसल का जो क्वालिटी है वो भी होना चाहिए आपके मसल में और आप लोग का वेट भी गेन होना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं वेट गेन के नाम पे वो अनाप शनाप कुछ भी खाते रहते हैं बाहर का जाके, तो ये आप लोग को नहीं करना है वेट गेन के समय। आप लोग को वेट गेन एकदम प्रॉपर तरीके से करना है। आप लोग जिम जाते हो तो आप लोग को एकदम डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, तो डिसिप्लिन का मतलब ही ये होता है कि आप लोग को एकदम प्रॉपर फिटनेस में आप लोग को खाना होता है, डाइट एकदम प्रॉपर लेना होता है, डाइट प्रॉपर रख के आप लोग को वेट गेन करना होता है। ऐसे नहीं कि आप लोग जाके बाहर का खा लो कुछ भी। अब मैं सबसे पहला पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। एज यूजुअल आप लोग को पता ही होगा कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस में आप लोग खाना होता है। आप लोग को ये कैलोरी सरप्लस 1-2 दिन के लिए खाओगे तो नहीं चलेगा, आप लोग को इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खाना पड़ता है, तभी जाके आप लोग का वेट गेन हो पाएगा। और आप लोग डे टू डे लाइफ में जितना कैलोरी आप लोग खर्च करते हो उतना ही ज्यादा आप लोग कैलोरी, उससे ज्यादा कैलोरी आपको लेना पड़ता है। अब आप लोग पूछोगे कितना कैलोरी हमको खाना चाहिए, मैं यहाँ से देख के बता नहीं सकता हूँ आप लोग को कितना कैलोरी आप लोग को एग्जैक्ट खाना चाहिए। आप लोग को आपका हाइट, वेट और आपके एज के हिसाब से भी आपको कैलोरी जो है वो डिफर कर सकता है, तो इस चीज के लिए आप लोग माई फिटनेस पाल ऐप यूज कर सकते हो। उसमें सारा कुछ बता देता है आप लोग को कितना आप लोग को खाना चाहिए कैलोरी पूरे दिन में और आप लोग को कितने टाइम तक आप लोग को वेट कैसे बढ़ाना है, सब कुछ उसमें बता देता है। अगर आप स्किनी हो और अगर आप लोग अभी 1500 कैलोरी खा रहे हो और आप लोग को एक हफ्ते हफ्ते में 500 ग्राम बढ़ाना है आपके बॉडी में, तो आप लोग को दिन का आप लोग को 500 कैलोरी एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा। अभी आप लोग 1500 खा रहे थे तो आप लोग को 2000 कैलोरी आप लोग को लेना होगा दिन में, तो ही जाके आप लोग का हफ्ते में 500 ग्राम बढ़ेगा वेट। और अगर आप लोग को 500 ग्राम की जगह 1 किलो बढ़ाना है हफ्ते में, तो आप लोग को 500 कैलोरी की जगह एक्स्ट्रा 1000 कैलोरी लेना पड़ेगा। मतलब आप लोग 1500 कैलोरी जब भी ले रहे थे, अभी आपको लेना होगा 2500 कैलोरी। एकदम अचानक से कैलोरी सरप्लस में मत चले आना, एकदम थोड़ा थोड़ा करके कैलोरी अपना बढ़ाना। अभी आज आप लोग ने सोच लिया चलो मैं कल से एकदम वेट बढ़ाना चाहता हूँ, तो कल से एकदम 500 कैलोरी एक्स्ट्रा बढ़ाने मत लग जाना, आराम आराम से जाना। हम लोग को हमको इतना कोई घाई नहीं है। अभी अचानक से आप लोग 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा आपके बॉडी में मत घुसा देना, तो आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ना ही वो बॉडी अडेप्ट कर पाएगा। आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके पहले जाना है। अब फिर से मैं यही बात बोलूंगा कि कैलोरी सरप्लस के नाम पे आप लोग जाके जंक फूड मत खा लेना, तो आप लोग का बस पेट ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला और फैट बढ़ेगा बस। तो आप लोग का फैट बढ़ जाएगा फिर आप लोगों को लगेगा वेट गेन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। फिर वो फैट को बहुत कम करने के लिए बहुत समय लग जाता है। और सेकंड पॉइंट की ओर मैं चलता हूँ। सेकंड पॉइंट है वर्कआउट। सेकंड पॉइंट वर्कआउट क्यों, आप लोग सोचोगे वर्कआउट के बारे में क्यों बोल रहा है ये। वर्कआउट आप लोग को करना ही चाहिए। जब आप वेट को लिफ्ट करोगे तो आप लोग जो अननेसेसरी जो फैट आप लोग के बॉडी में जम जाता है खाने के वजह से, तो उसको आप लोग मसल टिश्यू में कन्वर्ट करना।
आप लोग जब तक वेट को लिफ्ट नहीं करोगे तो वो मसल टिश्यू कन्वर्ट नहीं होएगा और वो आपके बॉडी में फैट बनता जाएगा फिर बहुत ज्यादा। अब मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, आप लोग को जब भी आप कैलोरी सरप्लस में होते हो तो कंपाउंड मूवमेंट को अवॉइड बिल्कुल मत करना, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट ही एक ऐसा मूवमेंट होता है आप लोग को स्ट्रेंथ लाता है बॉडी में। और कंपाउंड मूवमेंट मतलब आप लोग को डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस ये सब मूवमेंट ज़्यादा लगाना है और इसमें वेट ज़्यादातर लगाना। आप लोग अभी कैलोरी सरप्लस में हो, आप लोग का वेट तो जाना ही चाहिए क्योंकि आप लोग कैलोरी सरप्लस में और काफ़ ज़्यादा खा रहे हो, आप लोग के बहुत बॉडी में एनर्जी रहेगा। एक और बात, कार्डियो को आप लोग अवॉइड मत करना, कार्डियो से आप लोग का हार्ट हेल्थ है वो अच्छा होता है। और कार्डियो को एकदम ज़्यादा भी मत करना, एकदम नॉर्मल, एकदम हफ्ते में 3 दिन बस हो गया, 3 दिन आप लोग करोगे तो बस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है लो वॉल्यूम फूड। लो वॉल्यूम फूड इसीलिए क्योंकि आप लोग का पेट उससे ज़्यादा भरता नहीं है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी आप लोग का वेट गेन भी उससे कर पाते हो। लो वॉल्यूम फूड में क्या क्या आता है, लो वॉल्यूम फूड में मिल्क, आलमंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो भी है सब लो वॉल्यूम फूड में आता है। तो इसको आप खाते हो जब इसमें आपको खाने से पेट भी नहीं भरता है और आप लोग के बॉडी में हेल्दी फैट्स भी आता है, तो आप लोग का वेट गेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद देता है ये। तो अभी मैं फोर्थ पॉइंट की ओर चलता हूँ। फोर्थ पॉइंट है डू नॉट टेक ओवर प्रोटीन। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है अगर मैं कैलोरी सरप्लस में जा रहा हूँ तो प्रोटीन की भी उतना ज़्यादा आवश्यकता होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग जब भी कैलोरी सरप्लस में रहते हो तो आप लोग का प्रोटीन इंटेक है थोड़ा कम हो जाता है। जब भी आप लोग लीन मसल मास गेन करना चाहते हो और एकदम शेड लुक लाना चाहते हो तभी आप लोग का प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता है। अगर आप लोग वेट गेन के टाइम आप लोग प्रोटीन ज़्यादा लेते हो तो आप लोग का प्रोटीन फुल करके रखता है काफ़ी ज़्यादा समय के लिए, फिर आप लोग दूसरे सब चीज़ें आप लोग फिर नहीं खा पाते हो, फिर आप लोग आपका वेट गेन का जर्नी है वो कर नहीं पाते हो। तो प्रोटीन इंटेक को इतना ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, आप लोग प्रोटीन इंटेक कम भी ले सकते हो आप लोग जब वेट गेन कर रहे हो। तो अभी मैं फिफ्थ पॉइंट की ओर में चलता हूँ। फिफ्थ पॉइंट है फ्रीक्वेंटली ईटिंग। फ्रीक्वेंटली ईटिंग इसीलिए क्योंकि आप लोग को जब भी आप लोग वेट गेन करने जाते हो तो आप लोग को बार बार खाना होता है। तो आप लोग को मैं कहता हूँ आप लोग 3 एकदम बड़ी मील रखना पूरे दिन में और 3 छोटी मील रखना, क्योंकि आप लोग ज़्यादा टाइम तक अगर भूखे रहोगे तो आप लोग के वेट लॉस होने के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग को बार बार खाते ही रहना पड़ता है ताकि आप लोग का वेट जो है वो गेन होता ही रहे। जब भी आप लोग नहीं खाते हो और खाना बंद कर देते हो तो फिर वो स्टोर्ड एनर्जी जितना भी रहता है बॉडी के अंदर फिर वो यूज करने लग जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, तो आप लोग जब भी खाना खाने जाते हो उसके पहले बहुत ज्यादा पानी मत पी लेना, फिर आप लोग खाना ही नहीं खा पाओगे। आप लोग को पानी पीना है, आप लोग पूरे दिन में पियो, बट जब भी खाना खाने जाते हो तभी मत पीना आप लोग का, नहीं तो पहले ही पेट भर जाएगा फिर आप लोग खा नहीं पाओगे कुछ। और अभी एकदम लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ आप लोग को, सिक्स पॉइंट है गुड फैट। तो गुड फैट आप लोग को इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि आप लोग के बॉडी में वो जितना भी विटामिन होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा हेल्प करता है और गुड फैट आपके पेट को ज्यादा फुल भी नहीं करके रखता है। गुड फैट आपके बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए आपको मदद करता है। और एक गुड न्यूज है आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग अमूल बटर और आप लोग घी को भी आपके डाइट में ऐड कर सकते हो। तो ये था मेरा वेट गेन का वीडियो। आप लोग को सारे पॉइंट्स कैसे लगे मुझे जरूर कॉमेंट करके बताना, और मैं क्या क्या खाता हूँ पूरे वेट गेन की जर्नी में ये एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं क्या क्या खा रहा हूँ वेट गेन में। तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके रखना उसके लिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि जब भी मेरे वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आए तो आप फटाक से आके वीडियोज़ देख लें। और आपको कुछ भी क्वेरी होगी तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर आप लोग DM कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो ज़रूर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं रील्स भी बनाता हूँ अच्छे अच्छे, आप लोग को एक टिप्स भी देता हूँ, तो आप लोग जाके जरूर फॉलो करना। तो आज के लिए इतना रखता हूँ, बाय, पीस आउट।